حضرت ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منتقل کیے میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمامی مومنین کی بارگاہ میں ملتمس ہوں ایک بار سورہ حم اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے حجت الاسلام والمسلمین اگر نمر اور ان کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے جاون کے اس کے لیے ایک مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس ماحول اور جس زمانے میں تشریف لائے لیکن وہ ماحول بڑا ہی بے اثر تھا, بڑا ہی دشوار کن تھا, بڑا ہی پریشان کن تھا. انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر میں بہت قدم پر یہ تھوڑا بڑی بہت زیادہ ہے صلوات و سلام محمد علیہ وسلم جو بہت سارے آباد تھے وہ دھیرے دھیرے بیمار ہونے لگے, جو ذہنیتیں پس تھیں وہ دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی. لیکن عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کے نور کو کھول دیا. یعنی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے محمد. اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو محمد کے نور کو کھول دیا. اور نبی نے فرمایا نصفہ علی نصفہ محمد و نصفہ علی, آدھا نور میں اور آدھا نور علی. عزیزانِ گرامی, اللہ کے پہچان کا ذریعہ ہے محمد. ہم آپ اللہ سے جو دعا کرتے ہیں, اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ ستار العیوب ہے, یہ ہے وہ, یہ سارے صفات کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے صفات کے بارے میں ہم اس کی بارگاہ میں لے کے حاضری آتے مالک کرما وغیرہ تیری صفات کے واسطے تیرے اس قسم کے ذریعے تیرے اس قسم کے ذریعے سے. لہذا یہ سارے اسم جتنے بھی اسم ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اللہ راضی اس وقت بنا جب محمد نے رس کھایا. اچھا اور قریب کرتا ہوں آپ کو, کسی اللہ کیسا ہے کوئی جانتا ہی نہیں, کوئی نہیں جانتا اللہ کیسا ہے, کوئی نہیں جانتا اللہ کیسا ہے, کوئی نہیں جانتا. دنیا کے تمام کے تمام اللہ کو کہنے والے بھی نہیں جانتے کہ اللہ کیسا ہے. جو صرف اللہ اللہ رکھتے وہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کیسا ہے. اور یقین مانے کہ اللہ پہچانا ہی نہ جاتا, اللہ جانا ہی نہ جاتا اگر یہ ذات نہ ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگر یہ ذات نہ ہوتی تو یقین مانے کہ اللہ پہچانا ہی نہ جاتا.
अच्छा किसी जंगल में अगर किसी बच्चे को ले जाके छोड़ दिया जाए और परवरिश भी जंगल में हो उसकी, परवरिश भी जंगल में हो उसकी, तो याद रखे कि उस बच्चे को क्या किसी नाम की जरूरत है? तब उसको किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों? तब चूंकि वो जंगल में है और जंगल के माहौल में है, जंगल में कोई पुकारने वाला ही नहीं है, लिहाजा अजीजाने ग्रामी उसे किसी नाम की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए चूंकि वो जंगल में है। अजीजाने ग्रामी अल्लाह तो था, अल्लाह तो था, अल्लाह को जो कहते हैं अल्लाह को हम जानते हैं बड़े करीम है, अल्लाह तो था, लेकिन अगर अल्लाह को अल्लाह किसी ने कहा तो इन्होंने अल्लाह को अल्लाह कहा, अल्लाह का रिस्क खाया तो वो राजिक बन गया, अल्लाह का सजदा किया तो वो साजिद बन गया, वो साजिद बन गया। यानी अल्लाह को था, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने नाम से पुकारा वो नाम मंसूब होते रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह 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 तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का नजारा वक्त न लेते हुए यकीन हदीस के साथ से आगाज बैठे तो हो गया, यकीन बात दीगर यकीन उस्ताद शोरा इकराम में तशरीफ रखते और बच्चे भी तशरीफ रखते हैं, यकीन बात दीगर शोरा इकराम अपना कलाम पेश करेंगे, एक सलावत जो जो के आवाज बड़े कम से कम जो आपके सामने जो रखूँ हम ये परवरदिगार क्योंकि हमारी महफिल और मजलिस के ये दस्तूर है कि जब भी जाकिर मिंबर पर होता है तो वो हमदे परवरदिगार करता है और महफिल का आगाज भी हम हमदे परवरदिगार से करते हैं। लिहाजा महफिल जब आप शेर सुनने के लिए बैठे, क्योंकि मजलिस में इंसान नस्र सुनने के लिए बैठता है तो शेर उस तरीके से नहीं सुनता, और महफिल में जब शेर सुनने के लिए बैठता है तो नस्र उस तरीके से नहीं सुनता। लिहाजा नस्र शेरी जबान में हमदे परवरदिगार के बाद नाते मुस्तफा, उसके बाद आपके दिल से मद्दा आपके हवाले एक सलावत मिल जुल के बाबा ने बुलंद करे और आपको कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह के हम को सुने डॉक्टर के नसीम अमरवी ने इरशाद फरमाए, कहते हैं कि किस जाओ उसे ठोकर के बिना कैद मका है, अल्लाह किस जाओ उसे ठोकर के बिना कैद मका है, आरिफ की हद अक्ल से बाला मुसम्मद है, महदूद न होने की ये हद है, ये हद है, रखता है नजर नाम घटाता भी नहीं है, दौड़ा भी है आवाज सुनाता भी नहीं है, रग रग में समाया है समाता भी नहीं है। हम दे परवरदिगार हो रही है, रग रग में समाया है समाता भी नहीं, किस जाओ से ढूंढ उनके बिना कैद मका है, आरिफ के हद अपन से भरा वो समझ है, महबूब न होने की यह हद है कि हद है, रखता है नजर आंख दिखाता भी नहीं है, बोला भी है आवाज सुनाता भी नहीं है, रग रग में समाया है समाता भी नहीं है, आता भी है और जहन में आता भी नहीं है, आता भी है और जहन में आता भी नहीं है, आता भी है और जहन में आता भी नहीं है, वो जितना जहां सो वो उतना ही करे है, देखो तो यही है तो ना देखो तो नहीं है। देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं है, किस बात में फुरकत कितनी भूल न खिलाया, आराम जकरिया के गले में को चलाया, थी तेरी हवा जिसने सुलेमान को उड़ाया, यूसुफ थी तेरी हवा जिसने सुलेमान को उड़ाया, यूसुफ से मसीहा को भी बीमार बनाया, यूसुफ से मसीहा को भी बीमार बनाया, थे काफले कितने जो लुटे राह में तेरी, यूसुफ ने भी छाती है तुम्हें चाह में तेरी, थे काफले कितने जो लुटे राह में तेरी, थे काफले कितने जो लुटे राह में तेरी, यूसुफ ने भी छाती है तुम्हें चाह में तेरी। और हम दे परवरदिगार करते हुए शहर अकबरपुरी कहते हैं कि ये सलावत भी जो के रहा बाद में शामे शामे अबद की सुबह की खबर है वो, शामे अबद की सुबह अजर की खबर में वो मंजिल में गुजर में हजर में सफर में वो, शामे अबद की सुबह अजर की खबर में वो मंजिल में रह गुजर में हजर में सफर में वो, फूलों में खुशबुओं में हर खुशबुता में वो मस्तूर है नजर से मगर है नजर में वो, मस्तूर है नजर से मगर है नजर में वो, हर शय में उसके हुस्न नजर का जहूर है, मानो तो है करीब न मानो तो दूर है, मानो तो है करीब न मानो तो दूर है,
मानो तो है करीब न मानो तो दूर है, मानो तो है करीब न मानो तो दूर है। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं एक कम से बता को दावत सुल्तान मोहम्मद हसन साहब से तशरीफ लाए दावत दरबार नारे सलावत सुन के इस्तकबाल करें।